फिफ्थ गियर, ये देखिए गाड़ी अभी अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है और एकदम से सामने आ गए, मैंने ब्रेक दबाया और मैंने गियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और आज मैं आपको बताने वाला हूं, काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या हम फिफ्थ गियर में अगर चल रहे हैं अच्छी खासी स्पीड पे तो हम डायरेक्ट सेकंड गियर पे या फिर फर्स्ट गियर पे आ सकते हैं। तो आज मैं आपको वही लाइव करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी लोगों का सवाल ये था कि हम क्या फिफ्थ गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर पर या थर्ड गियर पर या फिर फर्स्ट गियर पर आ सकते हैं, तो आज मैं आपको वो लाइव करके दिखाता हूँ कि क्या हम फिफ्थ से किसी छोटे गियर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट है, मैंने क्लच दबाई, फर्स्ट गियर लगाया और हैंड ब्रेक डाउन किया। अब मैं गाड़ी को हल्का हल्का उठाता हूँ, थोड़ी सी ऊंचाई थी यहाँ पे, कुछ पत्थर वगैरह था। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। ये देखिए गाड़ी अभी अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है और एकदम से सामने आ गए, मैंने ब्रेक दबाया और मैंने गियर डाउन किया, थर्ड गियर पे मैंने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि स्पीड इतनी है कि थर्ड गियर आराम से इसे कंट्रोल कर लेगा और मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ थर्ड गियर पर, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब फिर से देखिए, मैं फिर से आपको सेकंड गियर पर करके दिखाता हूँ, फोर्थ गियर लगाया, अब ये देखिए सामने आ गया, मैंने थर्ड गियर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है, लगभग 60 की स्पीड पे है गाड़ी। मैंने ब्रेक दबाया और जितनी मुझे स्पीड मंदी, जैसे ब्रेकर है, जितनी मुझे स्पीड मंदी करनी है कर ली मैंने, सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया, गाड़ी चढ़ गई और आराम आराम से क्लच छोड़ के रेस दी, गाड़ी उठ गई। ये मैंने सेकंड गियर पे भी शिफ्ट करके दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दिक्कत दोस्तों जब होती है, जैसे कि अभी आप थर्ड गियर पे चल रहे हैं, मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, लगभग मेरी 50 की स्पीड हो गई है और मैंने अब फिफ्थ गियर लगा दिया, मैं फिफ्थ गियर पर चल रहा हूँ, आराम से स्पीड है मेरी 60, ठीक है। अब कोई आ गया एकदम सामने, मैंने ब्रेक लिए और मैंने चाहूँ तो मैं फर्स्ट गियर पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन स्पीड मेरी उतनी होनी चाहिए। अभी मैंने थर्ड गियर शिफ्ट किया है अभी, क्योंकि ये देखिए दोस्तों किस तरह से गाड़ी घुमा के और मोड़ के ले गया है, इतनी ऊँची गाड़ी है, हो सकता था पलट जाए। इस तरह से आप गाड़ियां कभी ना ड्राइव करें, ये सेफ तरीका नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियो पर ध्यान देते हैं। ये देखिए अभी हमारी गाड़ी फिफ्थ गियर पर चल रही है, फ्लाई ओवर है थोड़ा, इससे उतरने के बाद एक ब्रेकर आएगा, मैं उस पर आपको फर्स्ट गियर लगा के दिखाऊंगा कि फिफ्थ से सीधा फर्स्ट पे कैसे आएंगे। दोस्तों आप आ सकते हो, लेकिन ना उसमें बस ये है कि आप ब्रेक लगाकर या किसी भी तरह, मतलब आपकी स्पीड उस गियर के हिसाब से हो जानी चाहिए। जैसे मेरी 20 की स्पीड हो गई तो मैं सेकंड गियर लगा सकता हूँ, 20-25 की स्पीड में आराम से सेकंड गियर लगा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इतनी स्पीड पे फर्स्ट गियर लगाऊंगा, नहीं लगेगा, ये देखिए लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल जब मंदी स्पीड पर आ जाऊंगा, बिल्कुल सेकंड गियर लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा अभी भी, ये देखिए अब सेकंड भी लग जाएगा और अब फर्स्ट भी लग गया, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया और गाड़ी आराम से उठा ली, ठीक है। स्पीड थोड़ी ज्यादा थी फर्स्ट गियर के हिसाब से, इसलिए रेस को मुझे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ा, लेकिन कोई झटका वगैरह कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। तो आराम से अब देखिए मैं फोर्थ गियर पर हूँ, 40 की स्पीड है, सामने ब्रेकर आ गया, मैंने न्यूट्रल करा और ऐसे सेकंड गियर पे लगा दी, गाड़ी 10 की स्पीड पे है, आराम से ब्रेकर पे से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, गाड़ी आराम से चल रही है, 50 की स्पीड है अभी। ये देखिए सामने ब्रेकर आ गया,
मैंने ब्रेक दबाए, क्लच में इसलिए बाद में दबा लेता हूँ जिससे गाड़ी बंद ना हो जाए, सेकंड गियर शिफ्ट किया और आराम से गाड़ी उठा ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ गियर चल रहा है अपना, 50 के करीब स्पीड है, ब्रेक दबाया, सेकंड गियर लगा दिया, आराम से गाड़ी उठा ली। अभी तो गियर आसानी से लग रहा है, अब देखिए थर्ड की स्पीड, थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है, स्पीड हमारी 50 के करीब आ गई, ठीक है, फिफ्थ गियर है। अब मैं अगर सीधा चल रहा हूँ 60 की स्पीड में चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर सेकंड गियर लगाऊं, ये देखिए शिफ्ट नहीं हो रहा, सेकंड पे, फर्स्ट पे भी नहीं हो रहा, थर्ड पे हो जाएगा, फोर्थ पे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये गियर इतनी स्पीड को नहीं झेल पाएंगे, एकदम से झटका लेंगे, तो उसमें हमारे गियर, ये जो है गियर बॉक्स, ये इस पे काफी ज्यादा लोड पड़ेगा, झटका पड़ेगा, ये गियर बॉक्स भी खराब हो सकता है हमारा, क्लच पर भी काफी ज्यादा जोर पड़ेगा इससे। इस गियर पे 60 की स्पीड पर हम फोर्थ तक जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, उसमें भी हमें आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, आरपीएम देकर हमें फोर्थ की स्पीड पे करना पड़ेगा, मतलब इतनी आरपीएम इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि गियर, जैसे हम, मैंने अभी देखिए 50 की स्पीड है, फोर्थ गियर लगाया, तो मुझे पहले रेस दे के आरपीएम बढ़ाया मैंने, उसके बाद मैंने क्लच छोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आरपीएम ना बढ़ाता और डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देता, क्लच छोड़ देता, तो वहां पे हल्का सा मुझे झटका फील होता। तो ये थी दोस्तों फिफ्थ गियर से सेकंड गियर पर या फर्स्ट गियर पर कैसे शिफ्ट किया जाए, वो सब हमारी स्पीड के हिसाब से होता है, हमें स्पीड के हिसाब से ही गियर को चेंज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।